स्वागत है आपका उत्कृष्ट त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं भारत के हर एक स्टेट के बारे में विस्तार से। तो आइए हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। हमने पिछले में स्टेट सिंबल तक ख़त्म कर लिया था अरुणाचल प्रदेश को। आइए हम इसकी थोड़ी इवोल्यूशन देख लेते हैं कि आखिर कैसे ये राज्य बना और इसके रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं। तो सबसे पहले ये 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्णतया स्टेट का दर्जा मिल गया। कब मिला? 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता था? 1972 तक इसको NEFA, जिसको नेफा भी बोला जाता है, ये नेफा के नाम से जाना जाता था। अब नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1972 तक इसको जाना गया। 20 जनवरी 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया। और पूरा राज्य कब बना? पूर्ण रूप से राज्य बना 20 फरवरी 1987 को। 1972 तक इसको किस नाम से जाना गया? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से, ठीक है। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कब पड़ा? इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा 15 अगस्त 1975 को। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द असेंबली वॉज हेल्ड इन द फरवरी 1978। 1978 को पहला चुनाव कब हुआ? पहला चुनाव 1978 में हुआ। देखिए, इसके जो अरुणाचल प्रदेश का इतिहास है ना, अरुणाचल प्रदेश का इतिहास की, जैसे हमने त्रिपुरा का देखा था, त्रिपुरा का वर्णन कहाँ कहाँ मिला था, किस किस से मिला था, जैसे उसमें दिखा था महाभारत के, महाभारत और अशोक के इपिक से हमें किसका मिला था, किसके बारे में जानकारी मिली थी, त्रिपुरा के बारे में। उसी तरह महाभारत और कालिका पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में। दिस प्लेस इज प्रभुज माउंटेन ऑफ पुराण्स, ठीक है। पुराणों में इसे प्रभु माउंटेन के नाम से जाना जाता था। आइए थोड़ा सा इसके माउंटेन्स के बारे में भी आपको बता दूं। देखिए, हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। देखिए, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक, ठीक है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक किसका विस्तार है? हिमालय का। यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय या बाह्य हिमालय इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर हिमालयस, फिर लोअर हिमालयस और मिडिल हिमालयस, फिर सबसे नीचे शिवालिक आता है, ठीक। अब क्या होता है, हमें ये देखना है कि अरुणाचल प्रदेश में, एक अरुणाचल प्रदेश एक हिली एरिया है, यहाँ पे हिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जितने पर्वत पाए जाते हैं हिमालय के, जितने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह के इलाके में जो हिमालय का विस्तार पाया जाता है, ये बहुत चौड़े चौड़े हैं, ठीक है, और कम ऊंचाई पे हैं। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो हिमालय की ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है और अपेक्षाकृत पतली है, ठीक है। चौड़ाई कम है इसकी और ऊंचाई ज़्यादा है। चौड़ाई कम है इसलिए ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय पाए जाते हैं वो अपेक्षाकृत पतले और ऊंचे ऊंचे हैं, इसलिए यहाँ जैव विविधता भी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। इट वॉज द सेज परशुराम एटॉन्ड ऑफ हिज सिन, अपने पापों का यहाँ प्रायश्चित किया था, ठीक है, परशुराम ने। इसके अलावा व्यास, महर्षि व्यास ने यहाँ मेडिटेट किया था। यहाँ पे किंग भीष्मक ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और यही वो स्थान है जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ने रुक्मिणी से विवाह किया था, ठीक है। यही वो प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ने रुक्मिणी जी से विवाह किया था। इसके अलावा 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, कब? 20 फरवरी 1987 को इसको स्टेटहुड मिल गया था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उस समय किसकी सरकार थी? उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को 1987 को पूर्ण दर्जा मिला और 25वें स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इंडो चीन वार जो
1962 में हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।